कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने सतगुर दिल दिया जाने कंछी वाला दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने अज असी गद्दी नशीन महाराज अम्मी सिंगारा गिरी जी दे सतगुर रविदास महाराज जी दे निर्वाण दिवस ते अज सारे ही गुरु घर विच इकट्ठे हुए हाँ। इस मौके ते बहुत दूर दूर तो संगतां गुरु घर विच पहुंचियां हन, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल ते होर बहुत सारिया संगतां गुरु दर्शनां लई आईयां हन। असी डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट वालों उन्हां दा हार्दिक स्वागत करते हाँ, अभिनंदन करते हाँ। आप जानते हो कि सतगुरु रविदास महाराज जी का संदेश माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा सी कि सिक्ख्या तो बिना साडा विवेक रूपी दीवा मैला हो जाता है। आज तो लगभग 600 साल पहला सतगुरु रविदास महाराज जी ने सिक्ख्या दी गल कीती। वो सिक्ख्या चाहे किताबी होवे, चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान होवे या अध्यात्मिक सिक्ख्या होवे। उस सिक्ख्या का महत्व साडे संत महापुरशा ने भी ना केवल दस्या ही है बल्कि उसनू अमली जामा पहनाया है। सतगुरु रविदास महाराज जी दे मिशन नूं लैके स्वामी सिंगारागिरी जी तो लैके हुण तक सारे ही संत महापुरशां ने इस सिक्ख्या दे महत्व नूं जान के इस ते अमली जामा अपनाण वास्ते स्कूल खोले हन ते समाज दे बच्चां नूं पब्लिक स्कूलां दे नाल दे सिक्ख्या दित्ती जांदी है। इसे ही कड़ी विच हर साल उन्हां बच्चां नूं सम्मानित किया जाता है जेड़े बच्चे बहुत ही वधिया नंबर लैके बोर्ड दियां प्रीख्यावां विचों पास हुंदे हन। इसे ही कड़ी विच अज साडे कोल बहुत सारे बच्चों की लिस्ट पहुंची है जिन्हां दे 85% तो ज़्यादा नंबर हैं। बोर्ड दे एग्जामीनेशन विच 85% तो ज़्यादा नंबर लैके जिन्हां बच्चों ने इस समाज का माता पिता का नाम रोशन किया है उन्हां दी लिस्ट साडे कोल है ते इन्हां बच्चों नू आशीर्वाद देंगे हजूर महाराज जी की रहनुमाई विच साडे मानयोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब श्रीमती अरुणा चौधरी जी ते उन्हां दे नाल उन्हां दे मानयोग पति जी श्री अशोक चौधरी जी। नाल ही मैं बेनती करांगी डेरे स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हां दे मानयोग प्रधान जी श्री गुलजारी लाल जी वह भी स्टेज ते आके इन्हां बच्चों नू सम्मानित करनगे। श्वेता कुंडल डॉक्टर ऑफ श्री कुलदीप दास झलक हंस पास कीती है ते 85% तो ज़्यादा अंक ले हन। हर्ष रोहित सिन्होत्रा यशिश बबोत्रा बबोरिया और इसे नाल नाल अंकतेश्वर ये 12वीं कक्षा का है और इस अलावा 12वीं बोर्ड के बच्चे। इन्हां सारे अगे बेनती है कि समय नूं ध्यान विच रखते हुए एक लाइन विच आके हजूर महाराज जी तो अपना आशीर्वाद लै सकते हैं। प्लस टू विचों दृष्टि थापा अभिषेक सरंगल दीक्षा प्रीति दीपिका अत्री
उमांश नाम बोलिया जा रहा है। दृष्टि थापा जेडी टॉप पर रही है इस लिस्ट विच, हजूर महाराज जी ने उन्होंने अपने कर कमला नाल उसनू सम्मानित किया है। अभिषेक सरंगल जी, दिशा प्रीति, दीपिका अत्री, उमांसी अंशु, दृष्टि थापा, डॉक्टर ऑफ श्री कृष्ण लाल कुंजवानी, सन ऑफ श्री सोमराज। अगर कोई बच्चा किसी कारण वैसे लिस्ट चो नहीं रहा लेकिन लेट आए हैं तो बच्चों का हार्दिक स्वागत और उन्होंने बहुत बहुत मुबारक। आप जानते हो कि डेरे स्वामी ओह जिहड़ियां किट्टां दित्तियां जा रही हैं उन्होंने कोर्सिस नाल संबंधित वह भी उन्होंने बच्चों एजुकेशन मिनिस्टर सन और डेरे नाल संगत नाल बहुत ही जुड़े हुए हैं। हजूर महाराज जी तो अपना अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाएंगे। हजूर महाराज जी तो किट्टा ले सकते हैं और स्किल डेवलपमेंट के सारे एक गवर्नमेंट के लेवल का जो सर्टिफिकेट किसी तरह का रोजगार दिलवा सकते हैं। 100% प्लेसमेंट है। सारिआं नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी ते मानयोग स्टेट सैकटरी श्री जलंधरी जी नूं माइक सौंप। सतगुर प्यारी सत्संग जी, साडे गुरु घर दे जनरल सकत्तर साहब ने बाणी सतगुर रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चल मन हार चट साल पढ़ाओ, चल मन हर चट साल पढ़ाओ, गुर की साट ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाद लगाओ, चल मन हार चट साल पढ़ाओ, चल मन हर चट साल पढ़ाओ, गुर की साट ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाद लगाओ, टेक सहज। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सारिया ही संगतां नूं दस वालों जय गुरदेव, जय गुरु रविदास। अज असी सारिया ही संगतां सहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे ज्योति जोत समान दिवस दे उपर गुरु घर विच जुड़ बैठे हाँ। गुरु जी का जन्म 1433 समाघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित
प्रगटे गुरु रविदास। गुरु जी का जन्म 1433 बिक्रमी नूं सीर गवर्धनपुर कांसी विच होया और 1584 पई चतौड़ में पीड़ जर जर दे कंचन पई ते रव रव मिलियो शरीर। 1584 च गुरु जी ज्योति ज्योत समाए चित्तौड़गढ़ दे विच। जदों सी 1584 चो 1433 माइनस कर दे हां तो बाकी 151 बचते ने। गुरु जी ने 151 साल की उम्र भोगी है। गुरु प्यारी सत्संगत जी थोड़ी जी दास इत जानकारी अजकल दे बुद्धिजीवी अज दे पढ़े लिखे बच्चों नूं देना जरूरी समझदा है। साढ़े ही अपने कुछ लोग किसे धर्म नूं माड़ा कहन दे लई ते किसे दी बड़ी प्रशंसा करन दे लई उन्होंने एक किताब लिख दित्ती जिदा नाम रख दिता गुरु रविदास जी दा कतल। वैसे तो यह शब्द इतना पद्दा है पता नहीं उसने किस तरह सोच के एक किताब का नाम रख दिता और दिमाग च की सोच आई। जेकर उसने गुरु जी दे बलिदान की ही गल करनी सी तो कम से कम यह गल कह दिंदा गुरु रविदास जी का बलिदान। उसने इतनी रफ बोली बोली हुई है उदे च शायद किसी होर धर्म के लिए यह गल कही होंगी तो उसनू कदों का उन्होंने बुला लिया होंगे। साडा समाज साडा ही आदमी। मैं जदों उस बुक नूं पूरा पढ़िया उन जिहड़े दस्तावेज लिखे ने बिल्कुल अपनियां कहानियां लिख दित्तियां जदों कि गुरु जी दे जीवन दे नाल उहदा कोई संबंध नहीं है। और जितने भी साडे बुद्धिजीवी ने आम उस किताब नूं पढ़ के गुरु जी दे इतिहास तो थोड़े जे बेमुख हो जाते ने। याद रहे गुरु जी का कतल किसने करना सी उन्होंने किसने कुछ कहना सी जिन्होंने बड़े बड़े जेड़े हंकारी सन उन्होंने चुका दिता उन्होंने ज्ञान अगे सारे चुक गए। उसने बड़ा सुंदर लिखिया हुआ एक गल के अज राजे दे कोल जाना होए ते रंबी किस तरह ले जाएगा कोई सैंतो जानदा ही नहीं। अज उधम सिंह लंडन दे विच रिवालवर पार्टी पार्लीमेंट चले जा के उत्थों दे जनरल दे गोली मार के उन्हों मार सकदा है। 300 साल पहला तो कोई पाबंदियां ही नहीं सन होंदियां कि केवल ते केवल वो इस गल नूं कहना चाहता है वो लेखक किसी धर्म की वड्याई दे लई ते किसी नूं हीनता दसन दे लई नहीं सच नूं कदे भी तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने नहीं पेश करना चाहिए। अज साढ़े ही कुछ बुद्धिजीवी कह देंदे ने गुरु जी ने पत्थर नहीं तारे। दास सहमत हो जांदा है पर उन्होंने ये जरूरत क्यों पै रही है जदों अज तक इतिहास चलिया आया
कि गंगा विच पत्थर तारे जी रविदास गुरु ने जो हर जगह ते गल कही गई कि उन्होंने पत्थरां नूं तार दिता उन्होंने क्यों जरूरत पै रही है कि उन्होंने पत्थरां नूं नहीं तारिया केवल ते केवल किसे नूं वधिया दसन दे लई किसे धर्म नूं डाउन करन दे लई नहीं असी कुरीतियां नाल डाउन कर सकने आ किसे नूं लेकिन सच नूं तोड़ मड़ोड़ के नहीं। एक दिन किते गल चली तो बहुत ही समझदार बच्चे सन उन्होंने कहा कि पत्थर पानी च भला तर सकता है। देखा बेटा तू काफी समझदार है इतने इतने वड्डे समुद्री जहाज लोहे दे बने हुए तर सकते ने जिन्हां नूं टन्नां दे हिसाब नाल लोहा लगा हुंदा है ते गुरु जी एक 40-50 किलो दा पत्थर नहीं तार सकदे क्या उन्हां नूं तू इतना छोटा समझ रहा है। अज दे विज्ञानक तो गुरु रविदास दी सोच बहुत वड्डी सी। गुरु प्यारी सत्संग च अजकल एक गाना बड़ा फेमस होया बहुत ही सोना गाना है गुरु रविदास जी दी महिमा है उदे च पर ओ भी लास्ट विच पता की कह दिंदा है कि गुरु रविदास जी ने कहा पत्थरां नूं तार के दस मैं लैना की अपना ही सीना पाड़ के लैना की। गुरु रविदास जी बदल कह रहे ने कि उन्होंने कहा कि मैं पत्थरां नूं कादे लई तारना सी मैं अपना सीना कादे लई पाड़ना सी। सैंत ओ लोग उस टाइम दे हालातां नूं नहीं जानदे। गुरु रविदास महाराज जी ने अपना कंधा चीर के एक वैज्ञानिक सोच दे नाल उन्हां लोकां नूं समझाया कि देखो मेरा खून भी लाल है ते तुहाडा खून भी लाल है। एक बड़ी वड्डी वैज्ञानिक सोच सी एक ही एक अनेक होए बिस्तरे हो आन रे आन भरपूर सौ प्रभु एक है ते सब ओदी संतान है सारे बराबर ने। गुरु जी ने कंधा चीर के खून बहा के दसिया कई पढ़े लिखे ऐ गल कह दिंदे ने मन लिया गुरु जी ने कल कही है खून लाल है। सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी ऐ गल बनारस दे ओ पंडिया नु कई जेड़े ओदे ना उन्हां नाल ईरखा करदे सन कि तुहाडे विच दुध नहीं ते मेरे च कोई खून नहीं जे मेरे च खून है ते तुहाडे च भी खून है। अज दा वैज्ञानिक कह दिंदा कि खून लाल है पर खून एक जैसा नहीं है। उन्होंने ब्लड ग्रुप 4 बना दिते ए ग्रुप बी ग्रुप ए बी ग्रुप ते ओ ग्रुप। मन लिया ब्लड ग्रुप 4 ने तामी सतगुरु रविदास जी दी सच्चाई नूं चिठलाया नहीं जाएगा। जो उन्होंने कहा सी कि एक ही एक अनेक होए बिस्तरियो आन रे आन भरपूर सौ मन लिया ब्लड ग्रुप 4 ने खून एक जैसा नहीं है ते साड़ी भारती संस्कृति दे वर्ण भी 4 बनाए ने
सूदर वैस सत्तरी ते ब्राह्मण। जेकर प्रभु वल्लों जात पात हुंदी ते रब वक वक वर्णा नू वक वक तरह का खून दिंदा, उस सूदरा नू एक ग्रुप का खून दे दिंदा, वह वैसा नू बी ग्रुप का खून दे दिंदा, उस सत्तरिया नू ए बी ग्रुप का खून दे दिंदा, वह ब्राह्मणा नू ओ ग्रुप का खून दे दिंदा। कि ऐसा मिलता है कि किसी जाति दे विच्चों केवल एक एक ग्रुप का ही खून मिले। आज मन लिया किसी कोई ब्राह्मण है, वो बीमार हो गया है, उदा ऑपरेशन होना है, ब्लड की कमी है, डॉक्टर ने कह दिता तुहानू ब्लड का प्रबंध करना पवेगा, वो ब्लड बैंक च जांदा है ते की कहेगा, ब्लड बैंक वालिया नू मैनू ब्राह्मणा का खून देना, चमारा का खून ना देना, नहीं उन्हूं अपना ग्रुप मंगना पवेगा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपना कंधा चीर करके इस सच नू प्रगट कर दिता कि सबना दा खून लाल है, सारे ही बराबर ने। गुरु प्यारी सत्संग जी उन्होंने अपने खून दा पानी पा के सानू पालिया। जेकर गुरु जी ने अपना खून ना बहाया हुंदा तो सें साडे ते अजे दिन ना हुंदे। बड़िया सुंदर पंक्तियां हन गुरु जी दी महिमा दे उपर, हुंदे जिंदगी ना ते नहीं जानू, ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका, पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा, पहले वांग ही बुरकियां झूठ खांदे, भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा, इना पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी जां सज हुंदा, रहिंदी दूर ही कोट कचहरियां तों, साडा कोई वकील ना जज हुंदा, लगे हुंदे जबान ते लख ताले, एदा नहीं स्टेजां ते गज हुंदा, ओ तेरे बाज माइया जेड़ा हाल हुंदा, मेरी कलम तो नहीं बयान हुंदा, सिक्का अज भी कन्ना दे विच पैंदा, जी ना जग ते गुरु रविदास हुंदा। उन्हां दी इतनी ताकत सी कि बड़े बड़े कांसी दे पंडित उन्हां दे अगे चुक गए। जो ये लिखदा कि गुरु रविदास जी नू मारिया गया, नहीं मारना किसने सी, उस टाइम दे बड़े बड़े प्रधान जेड़े विपर सन गुरु जी दे अगे वह भी डंडौतां करन लग पे। इतनी ताकत सी गुरु जी दे विच, गुरु जी दी अपनी बाणी है, मेरी जात कुट बांड ला टूर टवंता, नित ही बनारसी आस पासा,
अब विपर करे प्रदान करे ढिंडौत तेरे सरनाई रविदास दासन दास। बड़े बड़े प्रधान विपर मेनु ढंडौता कर रहे हैं, मेरे अगे शीश चुका रहे हैं। इतनी महान ताकत सन गुरु जी, सतगुर रामदास सिखां दे चौथे गुरु जी भी ऐ गल कह गए कि रविदास च मार उस्तत करे हर किरत निमक एक गाए पतत जात उत्तम पिया चार वर्ण पे पागे आए। गुरु रविदास महाराज जी दे चरना चारे ही वर्णा दे लोक आके चुक गए। चौं वर्णा ने गुरु जी नू अपना गुरु बना लिया। गुरु जी का कोई दुश्मन ही नहीं रहा, इतनी ताकत से गुरु जी ने इत्थों तक कह दिता मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत रविदास पूत सब राम के सब है अपने मीत। मेरे सारे ही मित्र बन गए, मेरे सारे ही सज्जन बन गए। ऐसी ताकत सन सतगुरु रविदास महाराज जी। अफसोस पता नहीं साढ़े ही अपने बुद्धिजीवियों नू उन्हां दे इतिहास नू बगाड़ के की मिल रहा है। बेनती है बुद्धिजीवियों अगे गुरु जी दी बाणी नू लियाओ और गुरु जी दी सच्ची गल नू लियाओ। लोकां दियां धार्मिक भावना नू ठेस ना पहुंचाओ। धार्मिक लोग तौर ते जुड़े हुए हैं, गुरु जी दे चरणां नाल उन्हां दी भावना है। अज उस महान रहबर दे असी ज्योति ज्योत समान दिवस मना रहे हाँ, जिन्हां ने बहुत लंबी आजु होगी 151 साल दी ते बड़े बड़े राजे महाराजे उना दे सेवक होए। मीरा जी ने कहा है मिले रह दास गुर पूरे ता तुरकी कलम पिड़ी सतगुर सैन दिया मुहिया के जोत जोत से मिली। गुरु रविदास जी मैनु एक पूर्ण गुरु मिले ने जिन्हां ने मेरी जोत उस निरिंजनी जोत नाल मला दित्ती। 52 राजे गुरु जी दे सरदालू हो गए, चारे वर्णा ने गुरु जी नू अपना गुरु मन लिया। सतगुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल दे विच बहुत ज्यादा बाणी कही। उस बाणी चो 40 शब्द ते इक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भी दर्ज है। ते जो पाठी जी ने गुरु जी दी बाणी दा शब्द कहा, बेशक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी नहीं है पर इमानता प्राप्त बाणी है। श्री गुरु रविदास चेर जसवीर सावर जी ने भी इस बाणी नू मानता दित्ती। गुरु जी ने जो भी बाणी कही वो बाणी सानू जीवन दी कला सिखांदी है। और ये जिहड़ा शब्द है इहदे विच गुरु जी ने एक बहुत ही वड्डी गल कही। अज तो 141 साल पहला गुरु जी सानू कह की रहे हैं, चल चल मन हर चट साल पड़ाओ। कहिंदे चल चट साल, कहिंदे ने पाठशाला नू, पाठशाला दे विच जा, पाठशाला दे विच जाके पढ़ाई कर।
अज तुसी 141 साल पहला गुरु जी सानू ना ते कहिंदे ने तीर्थां ते जा ते ना ही उन्होंने कहा तो जंगलां च जा ना ही पहाड़ां च कहा किसी देवी दे दर्शन करन जा। अज तो 600 साल पहला गुरु जी सानू की कह रहे ने तू पाठशाला दे विच जा किसी स्कूल दे विच जा क्योंकि पाठशाला च जा करके ही तेरा जीवन परिवर्तन होना। अज असी जो भी परिवर्तन वेख रहे हाँ ये केवल ते केवल पढ़ाई दे करके होया। जदों अमदास सुबह ही इत्थे पहुंचया आश्रम दे विच 9 बजे ते दास दी सोच सी कि 9 बजे इतनी संगत नहीं आ सकती ते उपरों रोड तो ही सामने कारां ही कारां दिस रहियां सन कई एकड़ दे विच कारां लगियां ये कित्थों लईयां हीरा फेरी करके नहीं ये किस तरह साढ़े कोल आ गईयां। दास जानदा है अज तो 40 साल पहला साढ़े किसी कोल कोई गड्डी नहीं सी हुंदी हो सकदा है हजारां नहीं लखां दे विच साढ़े समाज दे कोल किते एक गड्डी होवे लेकिन अज सब तो ज्यादा मुश्किल सेवादारां नूं पार्किंग दी पई हुई है। ये परिवर्तन कादे नाल आया केवल ते केवल तलीम दे नाल पढ़ाई दे नाल पढ़न के साढ़े बच्चे नौकरियां ते लग गए 4 पैसे आ गए वधिया घर बना ले गड्डियां खरीद लईयां। जेकर अज ही साडे कोल पढ़ाई ना रवे साडे कोल कुछ नहीं। अज जो बच्चियां नूं सन्मान कीता गया ये 1000 रुपया जां 400-500 दी ट्राफी दे करके 2 मीटर कपड़ा दे करके जेकर बड़े बच्चे किते अच्छे बच्चे नूं असी गोल्ड मैडल नाल सन्मान भी कर दिता ते कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। इस करके कीता जांदा कि बच्चियां च उत्साह पैदा होवे बच्चे इस पढ़ाई नूं ना छड्डन गुरु जी दी गल नूं अपने जीवन च मन्नन क्योंकि गुरु जी ने कहा सी माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन विद्या तो बिना बबेक रूपी दीवा धुंधला हो जांदा। इस करके विद्या का होना बहुत जरूरी है। साडे दूसरे गुरुआं ने भी इहो ही कहा विद्या विचारी तां पर उपकार विद्या ही पर उपकार करदी है। इस करके गुरु जी दे संदेश नूं असी मनना होवेगा असी अपने समाज च एजुकेशन नूं जरूर लियाना। बार बार ये बेनती की जाती है ते बच्चियां नूं भी बेनती है कि माँ प्यो दे सपने स्वीकार करना चाहते हो तो वधिया सोच वाले बनना है अपने च वधिया तलीम नूं लियाना। जिथे सतगुरु जी ने सानू दुनियावी पढ़ाई दे लई कहा है उत्थे साडे विच अध्यात्मक विद्या दा होना भी बहुत जरूरी। जेकर साडे च अध्यात्मक विद्या ना होवेगी समाजिक विद्या साडे कोल जितनी मर्जी आ जाएगी तो गुरु प्यारी सतसंगत जीओ असी सहित समाज देश का भला इतना नहीं कर सकांगे क्योंकि जिहड़ी अध्यात्मक विद्या है और समाजिक विद्या है इस तरह एक लंगड़ा है ते एक अन्ना है। समाजिक विद्या जिहड़ी है
दौड़ दा बहुत है लेकिन है अंधे वांग है। आपनु पता होएगा पिछे जी पता नहीं केड़े कंट्री दे ले करके गल चली इन्नी विद्या आ गई मिसाइला बनाउन लई और बंब बनाउन लई तुल पिया वो दुनिया तबाह कर सकता है तलीम वधिया चीज है पर है अन्नी वांग है किधर नू दौड़ पेगा की होएगा केड़े खड्डे च डिग जाएगा कोई पता नहीं। अध्यात्मक वाद जेड़ा ये लंगड़ा जरूर है पर दिसदा समाजिक विद्या भी चाहिदी है असी दौड़ सकीए पर अंधे भी नहीं है ना असी अध्यात्मक विद्या नाल भी जुड़ना जो साड़ी च अध्यात्मक विद्या आ जाएगी ना सानू सच ते झूठ का पता लगेगा। तुसी देखते हो साड़ियां बहुत वधिया संस्था बनिया हुई बुद्धिजीवियां दियां वो समाज सेवा भी करते ने लेकिन थोड़े समय बाद वो जिहड़ियां अपने संस्था ने वो खत्म हो जांदियां ने लेकिन जिहड़ी अध्यात्मक वाद वाली संस्था है वो खत्म नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि वो सोच रखदी है समाजिक विद्या दे नाल साडे च मैं आ सकती है लेकिन अध्यात्मक विद्या दे नाल साडी बुद्धि जिहड़ी है वो पवित्र हो जांदी है। इस करके साडे च जिहड़ी अध्यात्मक विद्या दा होना भी जरूरी है। इस करके गुरु जी ने जिथे सानू समाजिक विद्या हासिल करन दे लई कहा सब तो पहला वो जरूर असी हासिल करनी है उदे बाद असी अध्यात्मक विद्या हासिल करनी है। सतगुरु जी अध्यात्मक विद्या दी गल करदे हुए कहिंदे ने गुर की सांठ ज्ञान का अक्षर बिसरे ते सहज समाद लगाऊं। सांठ स्टिक नूं कहिंदे सन पहले समयां दे विच असी देखिया साडे जिहड़े बजुर्ग अपने टीचर हुंदे सन जदों असी बचपन च हुंदे सां स्टिक नाल पढ़ाउंदे सन ओह लिखिया हुंदा सी का खा गा का उहदे नाल पहचान कराउंदे सन ते गुरु एक सांट है स्टिक है ते ज्ञान एक अक्षर है। असी गुरु दे चरणा च जा के ज्ञान नूं प्राप्त करना है गुरु चरणा च जरूर जाना है तो ही सानू ज्ञान प्राप्त होवेगा। कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा इस करके सतगुरां ने गुरु दे चरणा च जान लई कहा प्रेम की पाटी सुरत कर लेखने रारा मामा लिख अंक दिखाऊं ए बिद मुकत सनकादक हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं प्रेम की पाटी सुरत कर लेखने
रारा मामा लिख अंक दिखाओ, ये बेद मुकत पे सन कादक हृदय विचार प्रकाश दिखाओ। गुरु जी अपनी बाणी दे विच फट्टी ते कलम दी गल कर रहे ने। अजकल ते वैसे सैंत सरकारी स्कूलां च भी वो फट्टी ते कलम वाली गल ना रही होगी। अजकल दे बच्चियां च जदों फट्टी ते कलम दी गल आएगी तो हैरान हो जाएंगे कि ये फट्टी ते कलम की हुंदी सन। जिहड़े कोई 50 साल 40 साल दे लोक ने जदों दस अज तो 50 साल पहला स्कूल च जांदे सी असी तो एक लकड़ दी फट्टी हुंदी, स्याही हुंदी, कलम हुंदी, तो कलम दे नाल फट्टी ते लिखिया जांदा ते उहनू फिर मटा दिया जांदा। गुरु जी कह रहे ने मैं प्रेम वाली फट्टी लई है ते सुरत दी कलम बनाई है। सुरत दी कलम प्रेम दी फट्टी ते रारा मम्मा लिखे अंक लखाऊं। ये जिहड़ी प्रेम वाली फट्टी है सुरत दे नाल मैं अखर केड़ा लिख रहा हाँ अपने मन च रारा मम्मा राम। गुरु प्यारी सत्संग सतगुरां ने इत्थे गुरमुख लिपि दे दो अखरां दे बाबत कहा है। इत्थों पता लगता है कि जिहड़ा रारा मम्मा शब्द गुरु जी ने कहा है इहदा भाव गुरमुखी लिपि जिहड़ी गुरु रविदास जी दे टाइम ते भी सी। हां गुरमुखी लिपि जिहड़ी है गुरु रविदास जी दे टाइम ते सी। लेखराज परवाना दरबारी दास लेखकां ने ये लिख दिता कि गुरमुखी लिपि गुरु रविदास जी ने बनाई। जदों गुरु जी नूं उन्हां दे पिता ने स्कूल पढ़ने पाया तो उस टीचर ने उन्हां नूं दूर बिठाल दिता तो गुरु जी सोचन लगे मेरे समाज दे लोकां नाल एहो ही हाल हुंदा होएगा। तो गुरु जी ने अपने लोकां दी बोली अनुसार अपने लोकां दी सोच दे अनुसार इस लिपि नूं बड़ी सरजई लिपि नूं तैयार कीता। और गुरु प्यारी सतसंग जी उसे लिपि नूं बाद दे विच गुरमुखी लिपि दा नाम मिले। बहुत सारे विद्वान जेड़े ने इस गल नाल सहमत नहीं हुंदे पर जेकर सहमत नहीं हुंदे तो गुरु रविदास जी ने इस लिपि दा जिक्र किस तरह कर दिता। गुरु रविदास जी दे जन्म तो पहला किसे भी संत ने गुरमुखी लिपि दा ज्ञान नहीं दिता। सो ये गुरमुखी लिपि सतगुरु रविदास जी दी सानू देन है। ये जिहड़ी गुरबाणी है शब्दां दे विच उचारी गई ये सतगुर नामदेव सतगुर रविदास जी पहला इन्हां ने शब्दां दे विच कलम बंद कीता। यह जिहड़े राग ने ये जिहड़े राग ने जिन्हां नूं अज तक विद्वान नहीं जान सके इन्हां रागां दे विच गुरबाणी नूं बन्निया सब तो पहला सतगुर नामदेव सतगुर रविदास जी ने। उहदे बाद जिहड़ा शब्द अज संत महात्मा सानू दिंदे ने रूहानियत नाल जोड़दे ने
भी नाम गुरु जी ने ही लिया, क्योंकि गुरु जी के जन्म तो पहला बेसक संत महात्मा होंगे सन, पर वो कर्म कांडा दे नाल जोड़ते सन, पूजा पाठ दे नाल जोड़ते सन। सतगुरु रविदास जी पहले ऐसे संत आए जिन्होंने नाम नाल जोड़िया ते कहा सत जुग सत तेता जगे द्वापर पूजा चार, ये तीनों जुग तिने धिड़े कल केवल नाम आधार। कल युग च केवल नाम नाल कल्याण होएगा। गुरु जी ने उस सत नाम नु दुनिया च लियांदा ते कहा कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब सत नाम दे मंत्र दी उस्तत करदिया लिखिया गया। इस सत नाम दा मंत्र किसने लियांदा? गुरु रविदास जी ने। उन्हां दी बख्शिश होई। अज विश्व भर दे लोग गुरु जी दा दित्ता होया नाम जप रहे ने। अफसोस होएगा असी उहदा समाज जेकर उहनां दे नाम तो वांझे रह जाइए। नहीं, असी भी उहनां दे नाम दे नाल जुड़ना होवेगा। पातशाह जी ने अपनी बाणी च अगे फरमाया कागद कमल मत मस कर निर्मल बिन रसना निस दिन गुण गाओ कहे रविदास राम पद पाई संत साख दे बोहर नयाओ कागद कमल मत मस कर निर्मल बिन रसना निस दिन गुण गाओ कहे रे दास राम पज पाई संत साख दे बोहर नयाओ। गुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने कागद कलव मत मस कर निर्मल। पातशाह जी ने कहा है कि जो मेरा मन है दिल है वो एक कागज की तरह है ते मेरी निर्मल मत एक स्याही है। मैं इस निर्मल मत दे नाल बुद्धि दे नाल अपने मन रूपी कागज ते लिख रहा हाँ। की लिख रहा हाँ? वदिया कर्मानु। इत्थे सतगुरु जी दे कहन दा पाव है वो लोकां नू जेड़े लोक कहिंदे ने पिछले कर्मा च लिखिया ही दुख सी। गुरु जी कहिंदे ने कदे नहीं सोचना तुहाडी जेड़ी मत है बुद्धि है जेड़ी एक स्याही है इहदे नाल वधिया कर्म लिख लवो। मिटा दो पिछलियां गल्लां नू छड्ड दो पिछले कर्मां दी गल नू वधिया कर्म लिखो। गुरु प्यारी सत्संगत जी
वाकया जिहड़े लोग ये सोच लेंदे ने कि मैं वधिया कर्मां नूं लिखना है वो लिख लेंदे ने, वो अपने जीवन नूं बदल लेंदे ने। अज असीं देखदे हां जिहड़े बच्चे सतगुरु जी दी गल नूं मनगे, जिन्हां ने अच्छा पढ़ लिया वधिया पढ़ लिया वो बदल गए ने, जीवन बदल गया। जिहड़े बेचारे घरां दे विच ही बैठे रहे वो उत्थे दा उत्थे रहे। गुरु जी कहिंदे ने जीवन बदलना तेरे हाथ पावर है, तेरे हाथ गल है, तू हिम्मत कदे नहीं हारनी कि मेरे च पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू कर सकता है। अपनी लेखा नू लिख ले, अपनी पागा नू लिख ले, असी अपने नसीब आप लिखने ने। गुरु जी ने सानू कहा है अपने कदी नहीं सोचना मेरे नसीबा च ही नहीं है। गुरु जी कहिंदे ने तेरी अपनी मत है, तेरा अपना मन है, लिख ले है मन ते वधिया जई सोच नू। तू क्यों सोच रहा है कि मेरे कर्मा दे विच ये सैंत है ही नहीं, हो जाएगा, हिम्मत कर। गुरु प्यारी सत्संग जी जिन्हां लोकां ने गुरु जी दी गल नूं मन लिया, गुरु जी कहिंदे ने तुहाडे विच पावर है, तुसी लिख सकदे हो अपने पागां दे विच ये सारियां गल्लां नूं। सुख सागर सुर तार चिंता मन काम धैन बस जाकै, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नव निद करतल ताके। कहिंदे ने तेरे विच पावर है इंसान, तेरे हत्थां च ताकत है, तू अपनी पागां च लिख सकना सुखां दा सागर। सुर तर पंजे रुख स्वर्ग दे, चिंता मन मन चिंतवे देन वाला गुण, चार पदार्थ धर्म अर्थ कौम काम और मोकस, नौ निधियां अठारह सिद्धियां, ये सारा कुछ तेनू प्राप्त हो सकता है, तू अपनी पागा च लिख सकना है, बसरत है जे तू मेरी गल मन लवे। जे असी गुरु जी दी गल नू मन लवा, गुरु जी ने की किया ये लिखण दे वास्ते निर्मल मत करनी पेगी, अपनी से शुद्धता ले आउनी पेगी, पवित्रता ले आउनी पेगी, साढ़ दो विकारा नू साढ़ दो नशिया नू, और पकड़ो अपनी बुद्धि दी कलम नू स्याही नू, और लिख लो अपने नसीबा नू। वाकिया गुरु जी कहिंदे ने तू अपने आप नसीब लिख सकना है, और अज असी हजारा लोकां नू देखिया जेड़े कदी सोच नहीं सकदे सी कि साडे कोल भी वधिया कार हो सकदा है, साडे कोल भी वधिया गड्डी हो सकदी है, अज सारा कुछ कृपा हो गई। वो किसने दिता, कोई उपरों डिग गया, कोई जन्म लैके असी लिया नहीं, असी अपना पागा चाप लिखिया, मेहनत कीती पढ़े और मेहनत करके वो सारा कुछ प्राप्त होया। इस करके सुत्या नहीं गुजारना टाइम, मेहनत करो। साडे गुरुआं ने सानू सिखिया दिती है, उद्दम अगे लसमी पखे अगे पौन, उठ कबीरा किरत कर तेन सुत्या नू देगा कौन। सतगुर कबीर जी कहिंदे ने उद्दम करोगे लसमी मिलेगी, जे उद्दम ना करोगे हिम्मत ना करोगे बैठे रहोगे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, हिम्मत करनी। ते जेडे हिम्मत नहीं कर, जेडे गुरु जी दी गल नू नहीं मनदे, जिन्हां ने विकारां दे विच मन नू लगा लिया, गुरु जी ने उन्हां दी भी गल की थी। हर सो हीरा साढ़ के करहे आन की आस,
तीन अर दो जिक जाहेंगे सत पाखे रविदास। जिन्होंने गुरु जी की गल नहीं मनिया मन विकारा च लगा लिया शराबा कबाबा च लगा लिया उन्होंने अपना जीवन ते नरक बनाया ही बनाया वो परिवार लिए भी नरक बना के चले गए नहीं। दास की बेनती है असी अपना भी जीवन स्वर्ग बनाना है और बच्चों के लिए भी स्वर्ग बना के छड़ के जाना है। तो बच्चों भी बेनती है जितने भी आए हैं कि माँ प्यो ने जो तुहाडे लिए मेहनत की है इनू अगे लैके चलना है असी इत्थे नहीं रुकना। सारा शब्द कहने तो बाद गुरु जी ने कहा सी कहे रविदास राम जप पाई संत साख दी बहुड़ ना आऊं। कहिंदे ऐ जीव जिन्हां ने संतां दा सहारा लै लिया उन्हां दा संग कर लिया उन्हां नूं दोबारा फिर मरना नहीं पिया। कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जिन्होंने भी गुरु जी की गल नूं मन लिया ना उन्हां नूं नरकां दा डर ना उन्हां नूं जम्मां दा डर ना उन्हां नूं अवागौं दा डर रहिंदा है। गुरु जी उन्हां नूं अपने नाल मिला लेंदे ने जेड़े गुरु जी दे चरणा नाल जुड़ गए। सो गुरु प्यारी सत्संग जी अज असी सारियां ही संगतां साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी नूं सरदा सुमन पेट करन वास्ते आए हाँ। अज उन्हां दा असी ज्योति जोत समान दिवस मनाण दे लई गुरु घर विच जुड़े हाँ। अज उन्हां दा ज्योति जोत समान दिवस एहो ही होवेगा उन्हां नूं सरदा सुमन कि असी गुरु जी दी गल नूं अपने जीवन च अपनाना है। सब तो पहला असी समाजिक विद्या नूं हासिल करना ते फिर जो गुरु जी ने कहा अध्यात्मक जिहड़ी विद्या है उन्हूं अपने जीवन च बनाना अपनाना है। और जो गुरु जी ने कहा अपने लेख असी आप लिखने ने असी यह कदे नहीं सोचना कि साडे लेख सहित कोई लिखेगा नहीं। गुरु जी कहिंदे अपने लेख आप लिखो आपो दीपो भव अपने दीपक आप जलाओ। ये साडे गुरुआं ने सानू सिखाया जिहड़े अपने दीपक आप जलाना सिख जांदे ने जिहड़े अपने पाग आप लिखना सिख जांदे ने वो कदे भी हार दे नहीं हन। असी सतगुरु रविदास महाराज जी दी औलाद हाँ जिन्हां ने सानू हमेशा जित प्राप्त करन दा रास्ता दस्या जिन्हां ने जिंदगी जीन दी कला सिखाई है। आओ उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन च अपना के एक वधिया जिंदगी जीन दा ढंग सिखिए। यही गुरु जी नूं साडी सच्ची शरणांजलि जां सरदा दे फुल होणगे। सारियां संगतां नूं दस वल्लो जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। आओ जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय गुरुदेव धन गुरुदेव। कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने सतगुर दिल दिया जाने कंछी वाला दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय गुरुदेव धन गुरुदेव। कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने।
सतगुर दिल दिया जाने कांची वाला दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने।